ये समझने के लिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, पहले आपको ये समझना होगा कि लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प कैसे करते हैं। हर इंसान के पास दो लंग्स होते हैं, इसे बोला जाता है विंड पाइप, यानी कि सांस लेने की नली। आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप दो हिस्सों में, या यूं कह लो कि दो ट्यूब्स में बढ़ जाता है। इन हिस्सों को बोला जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। अब जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इस विंड पाइप से होती हुई, फिर इन दो ब्रोंकाई से होती हुई, इन अनेकों ब्रोंकियोल्स में पहुंच जाती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। इन ब्रोंकियोल्स के भी एंड में, यानी कि इधर होती है एल्वियोलाई। ये ही है वो जगह जहां पे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। आइए देखते हैं कैसे। जो ऑक्सीजन ब्रोंकियोल्स में पहुंच चुकी थी, अब वो और आगे बढ़ती हुई एल्वियोलाई में एंटर करेगी। अपने दोनों लंग्स में टोटल 60 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं, और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट यानी कि फूल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एल्वियोलाई डिफ्लेट यानी कि सिकुड़ जाती है। सांस अंदर तो इन्फ्लेट, सांस बाहर तो डिफ्लेट। अब होता ये है कि ये एल्वियोलाई पूरी तरह से कैपिलरीज से यानी कि कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये वो ही कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा खून बहता है। खास बात ये है कि इस एल्वियोलाई और कैपिलरी की बाउंड्री इतनी हद से ज्यादा पतली होती है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार क्रॉस कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 थी, वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते वक्त शरीर से बाहर चली गई। और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन यानी कि O2 हमने अंदर ली थी, वो इन कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर बाकी शरीर में। CO2 कैपिलरी से एल्वियोलाई में और फिर बाहर, एंड O2 एल्वियोलाई से कैपिलरीज में और फिर शरीर के अंदर। खैर, अब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से ही बनता है, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि ये एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स की एंडिंग है वो भी सेल से ही बनी है। ये ब्रोंकियोल्स भी सेल से बने हैं, ये ब्रोंकाई भी सेल से बनी है। लंग्स, विंड पाइप, स्टमक, ब्रेन वगैरह सब सेल से बना है। अगर इस जगह बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया जाए तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। हमारा शरीर ऐसे 37 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर बना है। इसमें बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक प्रकार की बाउंड्री होती है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का है। अगर ये कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस गया तो फिर वो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। अब ध्यान से समझो कि कोरोना वायरस सेल में घुसता कैसे है। मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस इन लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। क्यों? ऐसा क्यों? हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ही क्यों? क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटों को स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और सेल्स के ऊपर लगे कांटों को ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोरोना वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन है वो चाबी है, और सेल पर जो ACE2 रिसेप्टर है वो ताला है। यही कारण है कि कोरोना वायरस हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, क्योंकि हाथ पैर ब्रेन के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता, और जो इस कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेल के आसपास प्रेजेंट सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, पर कोई कोई कर सकती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स सेल के बाहर से अंदर जा सकते हैं, और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर जा सकता है। अब जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज है और सेल एंट्री अलाउड कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। आसान भाषा में कहूं तो कोरोना वायरस सेल को बोलेगा कि जो भी काम तू कर रहा था वो बंद कर, और जो काम मैं बताता हूं वो कर, मेरी कॉपीज बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा, और कम स्पेस होने की वजह से प्लस दूसरे कारणों की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मान लीजिए